नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। भारतीय रेलवे ने किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। दरअसल किसानों के आंदोलन के चलते रेल सेवा के संचालन पर जबरदस्त असर पड़ा है। वहीं कई त्यौहार स्पेशल, यात्री स्पेशल और पार्सल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। उत्तर रेलवे ने पंजाब में किसानों के विरोध के मद्देनजर 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 5 ट्रेनों को कुछ समय के लिए टर्मिनेट किया है, साथ ही 5 रेलगाड़ियों के रूट में परिवर्तन किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन अमृतसर बांद्रा टर्मिनल विशेष एक्सप्रेस को 27 नवंबर को अमृतसर से चंडीगढ़ के बीच रद्द रहेंगी। वहीं दूसरी ओर रेलगाड़ी नई दिल्ली देहरादून, नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल भी 27 नवंबर को रद्द रहेगी। बता दें, साथ ही बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस स्पेशल को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा रेलगाड़ी काठगोदाम देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस स्पेशल भी 27 नवंबर को रद्द रहेगी, जबकि स्पेशल पार्सल एक्सप्रेस अमृतसर जयानगर अमृतसर एक्सप्रेस का रूट 27 नवंबर को परिवर्तन किया गया है। अब ये ट्रेन अमृतसर तारन तारण व्यास से होकर चलेगी। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के हजारों प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर फिर चल पड़े हैं। वो केंद्र के नए कृषि कानून का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है। दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और टिकरी सिंधु समेत कई बॉर्डर पर झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कई बार आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार भी की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।